Come back to- हमारी व्लॉग्स कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे तो क्या चला भाई आप लोग की लाइफ में इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे आ हा 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 क्या क्लब सैंडविच आया भाई बड़े मज़ेदार से क्लब सैंडविचेस आए थे और ये क्यों आए थे ये मैं बता देती हूँ अम्मी ने सालन तो रेडी करके रखा था लेकिन एज यूजल हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही थी और बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था यार तंदूर की रोटी नहीं खाई जाती बिल्कुल भी नहीं तंदूर की खाई जाती है ना ही छपाती है रेगुलर बेसिस पे क्योंकि चपाती जो मिल रही होती है बाजार में ना वो भी आपको दूसरे वाले आटे मतलब अवाइट आटे की मिल रही होती है तो वो घर वाली बात तो होती नहीं खैर हमारा दिल नहीं चाह रहा था तो मैंने कहा यार इससे अच्छा हम बाहर से कुछ मंगवा के खा मतलब रोटी मंगानी ही है तो फिर इससे बेहतर ना आप कुछ और मंगा के हाँ। खा लो कुछ बेहतर ही खा लो ना तो खैर हम लोगों ने सैंडविचेस मंगवा लिए मंगवागी मंगवागी थे क्लब सैंडविचेस और हम लोगों ने रात में यही खाना खाया था और गैस यार इतनी आ रही होती है कि उस पर रोटी नहीं पक सकती है सालन और बाकी सब चीज़ें पक सकती हैं मतलब गरम हो जाएंगी सालन गरम हो जाता है दाल गरम हो जाती है सारी चीजें हो जाती हैं थोड़ा थोड़ा काम चल रहा होता है लेकिन रोटी को तो <laughs> <ना, वो रुड़ा। laughs> रोटी को तो वही पूरी ख्वाहिश होती है पूरी पूरी बड़ी आंच पे वो सीखती है वो ख्वाहिश नहीं होती है रोटी को तो यहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है वो आंच पे ही सीखती है रोटी ना तो खैर इस वजह से रोटी वगैरह बनने में घर में काफी परेशानी हो रही है और समाइम ऐसा होता है कि सुबह में भी ना सिर्फ दो या तीन घंटे के लिए गैस आती है उससे एक, एक चीज अच्छी होने लगी है कि सारे लोग ना आठ बजे नौ बजे तक उठ जाते हैं क्योंकि गर्म गर्म नाश्ता आपको तभी मिलेगा नहीं तो बैठे रहो चाय के इंतजार पता है ये फर्स्ट टाइम हो रहा है हम सर्दियों में इतनी जल्दी जल्दी उठ रहे हैं मतलब आठ बजे सारे उठे हुए होते हैं क्योंकि नाश्ता करना है वाकई में यार चाय वाय बनाने मुश्किल हो जाती है ख़ैर इलेक्ट्रिक स्टोव है उस पर काम चल जाता है लेकिन ये कि फिर भी गैस की बात अलग होती है अच्छा ख़ैर आज आपको एक परफेक्ट रेसिपी मिलने वाली है पफ पेस्ट्री डो की पफ पेस्ट्री डो जिस लो, जिन लोगों को नहीं बता मैं बता दूँ जिस डो से पेटीज बाघर खानी खारे वगैरह बनते हैं वो डो बनने जा रहा है तो यहाँ पर मैंने लिया था थ्री फिफ्टी के बराबर अब मैदा और उसके अंदर मैंने वन टी से थोड़ा सा कम नमक ऐड किया है वन टी चीनी ऐड की है तेल ऐड किया है टू टेबल स्पून के बराबर अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ मिक्स करते हुए मुझे ख्याल आया मेरे हाथ कितने काले हो रहे हैं <laughs> चाहिए वो सन बर्न हैगा जो कि कुछ ज़्यादा ही दिख रहा था खैर एकदम से ना वो अपना हाथ देखते हैं ना तो अजीब सा लगने लगता है ये मेरे ही हाथ हैं <laughs> खैर तो क्या कहते हैं यहाँ पर इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से अच्छा यहाँ पर मैं ना स्मॉल क्वांटिटी में बना रही हूँ इससे पहले जब भी मैंने बनाया है थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में बनाया मतलब हाफ के जी डो के हिसाब से बनाया अभी मैं आपको बता रही हूँ थ्री फिफ्टी ग्राम डो के हिसाब से यानी कि डेढ़ पाव के बराबर मैदा लिया है मैंने सही है अब उसके बाद हमने उसमें एक अदद अंडा ऐड कर दिया इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से अब ये वाला डो जो है ना आप अंडे के बगैर भी बना सकते हैं लेकिन अंडा ऐड कर दीजिएगा उससे एक उसमें टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आता है जायके में, में भी फर्क आता है और मेरे ख्याल से रिजल्ट में होता है ये फर्क नहीं रिजल्ट में कोई खासा फर्क नहीं होता जरा ख़स्ते की ज्यादा होती है आप ये कह सकते हैं बस ये होता है बस इसके अंदर क्या करना है आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसका जो डो है ना वो आपने याद रखना है ये ना ही बहुत ज्यादा सख्त होगा ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा आपने मीडियम डो बनाना है सॉफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सख्त भले हो जाए लेकिन सॉफ्ट नहीं होना चाहिए है ना लेकिन सख्त इतना भी ना हो कि आपको मुश्किल हो उसको हैंडल करने में ना मतलब इतना सख्त नहीं कीजिएगा जितना हम समोसों का बनाते हैं उसे मार मार के टाइट ना, इतना इतना नहीं करना है अब देखिए मैंने थोड़ा जब ना सीमेंट गया था ना उसमें थोड़ा सा रह गया था वो मैंने काउंटर टॉप पर निकाल लिया है क्योंकि जब हम इसको नीट करते हैं ना तो क्या होता है तब भी आपका जो डो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो इसको आपने अच्छी तरीके से नीट करना है और बड़े हाथ लग रहे यार मेरे मुझे देख के सा लग रहा है <laughs> हाँ। इसको आपने अच्छी तरीके से नीट कर लेना है और इसको मैं मुझे तकरीबन लगे थे पांच से छह मिनट लगे थे तो हाथ से आटा गुने ज्यादा अच्छी तरीके से गुनता है अब आप लोग बोलेंगे आपके पास मशीन भी आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही क्योंकि अगर हम ज़्यादा जा, मशीन का इस्तेमाल करेंगे वो तो मैंने अपनी सहूलत के लिए ली है तो सब लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास मशीन नहीं है तो हम क्या करें तो इस वजह से इस बार मैं डो बना रही थी मुझे कुछ दिनों बाद इस्तेमाल करना है इस डो को तो मैंने सोचा जोए से कहा मैंने कहा यार इसको रिकॉर्ड कर लो क्योंकि इसको मेन चैनल पर तो दिया है लेकिन इधर हमने ये वाले चैनल पर कोई खास इतने डिटेल में वीडियो नहीं बनाई है तो आज बना लो क्योंकि अपिया ना थोड़ी कम क्वांटिटी में भी में भी बना रही थी अपिया को ज़्यादा डो की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो फिर अपिया ने कहा यहाँ के लिए आइडियल हो जाएगा रिकॉर्ड करना क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर सी बातें सब ना थोड़ी ही पहले स्टार्ट करते हैं हर के कोई मतलब स्मॉल क्वांटिटी होगी तो ईजी हो जाएगा अच्छा डो बन गया था हमारा उसको मैंने रख दिया है आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए अब यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ ये है हमारे पास माजरीन और ये वेजिटेबल फैट होता है तो जो पफ पेस्ट्री डो होता है ना उसके अंदर यही इस्तेमाल होता है यहाँ पर मेरे पास है सोया सुप्रीम कंपनी का ये मैंने लिया था मीमन फाउंडेशन के पास जो शॉप्स है ना उधर से आपको ये लूज़ में मिल जाता है, नहीं तो अगर आप इसको पूरा बार लेना चाहेंगे तो टू के जी का मिलता है ये बार पूरा ना लूज़ में नहीं मिल रहा होता नॉर्मल शॉप से आपको लेकिन वहाँ पे ऑप्शन है आपको जितना लेना है, मिल जाएगा तो यहाँ पर मुझे ना टू फिफ्टी ग्राम की रिक्वायरमेंट थी ये मैंने ले लिया था अच्छा इसके रेट ना मुझे सही से याद नहीं क्योंकि मैंने इकट्ठा मतलब कुछ थोड़ा सा सामान लिया था तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है मैं आपको बता दूँ ये होगा कुछ सौ डेढ़ सौ रुपए के अंदर होगा ढाई सौ ग्राम ना जहाँ तक मे मेरा ख्याल है लेकिन आप देख लीजिएगा कितने का है इससे ज़्यादा महंगा नहीं होगा ये ना तो खैर अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ ये ये जो स्टेप है ना ये जोया वो कंपनी दिखा रही है सोया सुप्रीम कंपनी का ये अच्छा यहाँ पर ये क्या करना है इसको ना हमने हाथ से करना होता है थोड़ा सा मैश क्योंकि आप देखें ना कितना हार्ड है मैं हाथ में ले रही हूँ ये बिल्कुल ये ना मेल्ट नहीं होता है और इसी की वजह से लेयर्स बनती है अब यहाँ पर लोग आके मुझसे कहते हैं कि हम घर में जो होम बनते हैं ना लोग शॉर्टनिंग के नाम से बनाते हैं बहुत सारे मैंने देखा है कि कहते हैं यूट्यूब पर भी वीडियोज़ देखी लेकिन वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है उसके अंदर आप कुछ भी कोशिश कर लें पानी की नमी रह जाती है और अक्सर लोग क्या करते हैं वो आपको बनाना तो दिखा देते हैं लेकिन उससे ना वो परफेस्टी डो बनाना नहीं दिखाते वो फिर झूठ बोलते हैं या बेवकूफ़ बना रहे होते हैं वो तो तो खैर जो एक्सपर्ट होते हैं ना वही देख के समझ जाते हैं क्या चीज़ इस्तेमाल हुई हुई क्योंकि हर चीज़ का रिजल्ट अलग होता है मतलब तो तो कौन सी चीज़ किस तरह से इस्तेमाल हुई हुई है तो प्लीज़ उनकी बातों में नहीं आया करें जो सही इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिल रही है दर से ही पिक कर लिया करें इन्फॉर्मेशन क्योंकि ये इजीली मार्केट से मिल जाता है आपको इंप्रेस uh, मार्केट में मिल जाएगा आपको जहाँ पे बेकिंग का सामान मिल रहा है और सब जगह मिल जाएगा अब तो ऑनलाइन भी इतनी सारी जगहों पे आपको चीज़ें मिल जाती है आप थोड़ा सा सर्च करके देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे मिल जाएगी मतलब फेसबुक पर ही अगर आप ऑनलाइन स्टोर सर्च कर लेंगे ना बेकिंग के तो वहीं पर ही आपको बहुत सारे मिल जाएंगे अच्छा इसके अंदर मैंने टू टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऐड करा है ये थोड़ा सा हार्ड होता है ये वाली ट्रिक हमें हमें हमारे सर ने सिखाई थी और तो उन्होंने बताई थी तो मैं जब से यही वाली ट्रिक इस्तेमाल करती हूँ तो इससे बहुत अच्छा पफ पेस्ट्री डो बन के तैयार होता है तो इसको करना क्या है आपने बस इसको मैश करना है इसके अंदर से लम्ब्स निकालने हैं क्योंकि जब हम इसको मैश करते हैं जाहिर सी बात है पूरी डली है ना उसको हम तोड़ेंगे तो उसमें लम्ब लम्प से बन जाते हैं तो आपने हाथ से इतने अच्छे से मैश करना है कि इसका ना बिल्कुल स्मूथ सा डो सा बन जाए ना मतलब ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए डो नहीं बने स्मूथ हो जाए और जो ऑयल है ना वो इसके अंदर मिक्स हो जाए बहुत अच्छी तरीके से ये करने में आपको लगेंगे तकरीबन पाँच मिनट और उसके बाद इसकी हम इस तरह से ना इसको शेप देंगे और साइड पे रख देंगे आप तब भी बाहर निकाल के रख देंगे तो ये मेल्ट नहीं होगा तो बेसिकली इसको हमें डो में डालना है उसके बाद इसकी लेयर्स बनानी है तो उसके लिए जरूरी है ये वाला आप इस्तेमाल करें अगर आप ब्लू बैंड माजरीन यूज करेंगे ना तो वो क्या होगा जैसे ही आप बेलना स्टार्ट करेंगे साइड पूरा हाँ। का पूरा बाहर निकल जाएगा जैसे कि घी बाहर आ जाएगा ना उसी तरीके से ब्लू पैंट माजरीन निकल जाएगा क्योंकि वो माजरीन बिल्कुल। है बिल्कुल ठीक है माजरीन ये भी है लेकिन ये अलग तरह का फैट है सही है और ये सेहत के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता इधर मैं आपको बस बता रही हूँ खैर <laughs> सुन ले आप लोग ना अच्छा ये दो कंपनीज का होता है अगर आप इसको डालडा वाला लेना चाहेंगे वो बेस्ट होता है तो क्या कहते हैं उसको आपको इस तरह से मैश नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो हार्ड हार्ड नहीं होता वो सॉफ्ट होता है वो थोड़ा येलो कलर में होता है सही है अगर आपको वो मिल जाए तो बेस्ट है अच्छा यहाँ पर ना ये देखिए हमारा डो जो है ना बहुत अच्छे से रेस्ट आ गया था इसको और मजीद सॉफ्ट हो गया है क्योंकि जब हम इसको रेस्ट देते हैं तो ये और मज़ीद सॉफ्ट हो जाता है तो इस बात का आपको ख्याल रखना है इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाइएगा हैंडल करने में आपको परेशानी हो जाएगी पहली बार बना रहे हैं तो ज़रा एहतियात से बनाइएगा और थोड़ा ना ठहर के बनाइएगा क्योंकि बेकिंग करना ना पेशेंट्स का काम है हर किसी की बस की बात नहीं होती बेकिंग करना ना जिन लोगों में बहुत ज़्यादा सब्र होता है ना वो लोग बहुत अच्छी बेकिंग कर लेते हैं क्योंकि ना इसके हर चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ता है थोड़ा टाइम देना पड़ता है तब जाके आपकी बेकिंग अच्छे से होती है ना थोड़ा सब्र करना पड़ता है अच्छा खैर यहाँ पर मैंने क्या किया था काउंटर टॉप पे ना काउंटर टॉप नहीं मेरा डो मैट है इसके ऊपर मैंने आ, मैदा फैला दिया है और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा मैदा डालना है और इसको बेल लेना है अच्छा यहाँ पर ना बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि इसमें आप बारह लेयर्स लगा दें इसमें आप इतनी लेयर्स लगा दें ये डो बनता है कुछ बारह घंटे में कोई कहता है तीन घंटे में बनता है कोई कहता है ढाई घंटे में बनता है लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ आपको कि ये डो बन के तैयार होता है मतलब आ, स्टार्टिंग जहाँ से कितनी ना और एंड तक डेढ़ घंटे के अंदर बन के तैयार हो जाता है जिसके अंदर बीच में रेस्ट देना पड़ता है ना इसको इस वजह से लोग कहते हैं इतना टाइम लगता है उतना टाइम लगता है अच्छा खैर इसको हमने ना फैला लिया इतना फैलाना है कि इसकी जो हमारा माजरीन है उसके अंदर कवर हो जाए और इस तरह से आपने इसको कवर कर देना है एनविलप की तरह बिल्कुल इसने इस तरह से आपने ना मतलब आधा इधर से मोड़ा था आधा उधर से और इस तरह से हमने इसको कवर कर दिया उसके बाद हाथ से मैं क्या करती हूँ इसको हल्का सा प्रेस कर देती हूँ अब कुछ लोग नहीं करते हैं प्रेस ना लेकिन इसको आप प्रेस जरूर कीजिएगा इससे क्या होगा आपका जो माजरीन है ना वो डो के ऊपर चिपक जाएगा अच्छे तरीके से और वो स्प्रेड हो जाएगा। हाँ वो स्प्रेड हो जाएगा अब ना कुछ लोग क्या करते हैं मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि लोग फिर देख के कहते हैं आपने गलत स्टेप किया ना एक्चुअली ना आपको टिप्स देना चाह रही है Experience हाँ। आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ और इसको हम आसानी से किस तरह से बना सकते हैं ताकि आप लोग बनाएं तो अच्छे से बना सकें अच्छा मैंने हल्का सा प्रेस किया उसके बाद हमने इसको टैप करना स्टार्ट किया बेलन की मदद से इस तरह से आपने टैप करना है ताकि जो माजरीन है वो इक्वली आगे पीछे ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जब हम बेलेंगे तो इक्वल आए ना और दूसरा ये कि हाँ मैं ये बता रही थी कुछ लोग क्या करते हैं इसके अंदर माजरीन रख के इसको रेस्ट देने के लिए रख देते हैं वो तरीके कार भी बिल्कुल सही है लेकिन उसमें होता क्या है अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं जो बिगनर्स हैं वो मिस्टेक कर जाएंगे क्योंकि डो जो है ढलक जाता है जब वो बेलते हैं तो माजरीन बाहर आ जाता है तो बेस्ट ये आपने उसको उसी वक्त आपने ना एडजस्ट क्लियर दे देनी है मतलब उसको हल्का सा प्रेस करना है और उसके बाद इसकी लेयरिंग स्टार्ट कर देनी है तो बस मैंने इसको बेला जितना मैं बेल सकती थी बड़ा उसके बाद इसकी लेयरिंग देख लीजिए और जो मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे उनको मैं इस तरह से समझाती थी कि अगर मैं जो लेयरिंग कर रही हूँ आप लोग भी ये करना चाहें तो कर लीजिएगा तो एक पेपर ले लीजिए या टिश्यू पेपर ले लीजिए उसके ऊपर इस तरह से लेयरिंग करके और जो नोट्स हैं ना उसके साइड पर रख दीजिए ताकि जब भी आपको खोले खोलें जब भी अपनी डायरी या नोटबुक खोलें तो आपको याद हो गई हमने पब फेस की लेयरिंग कैसे की थी ठीक है ना तो जिस तरह से मैंने लेयरिंग करी है इसको देख ले और इसी तरह से आपने इसकी लेयरिंग करनी है सही है बस ये याद रखिएगा अब यहाँ पर ये पहली लेयर लगी है इसको और उसके बाद वो जो फर्स्ट हमने इसके अंदर रखा था ना वो लेयर नहीं थी वो उसके अंदर रखा था हमने ये पहली लेयर है इसको हम ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए आधे घंटे के बाद हम दोबारा से लेयर लगाएंगे इसकी सही है तो अब क्या करना है इसको खाली अपिया उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे मतलब हल्का हल्का सा पहले इसको टैप करेंगे ताकि इसका जो माजरीन है अगेन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरी की पूरी लेयर्स में इसमें पूरा वो स्प्रेड हो जाए और उसके बाद उसको ना टैप टैप कर करके उसे फैलाएंगी और उसके बाद फिर अपिया बेलना स्टार्ट कर देंगी और उतना ही बड़ा बेलना है जितना बड़ा अभी अपिया ने बेला था ना मतलब चकोर में ही बेलना है गोलने की ज़्यादा पतला नहीं कीजिए प्लस की लेयर्स डिस्टर्ब हो जाएंगी और एक गलती जो कॉमन मिस्टेक है जिसकी वजह से आप लोगों की लेयर्स फूलती नहीं है निकल कर नहीं आती अच्छे से वो ये मिस्टेक होती है क्या लोग क्या करते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के इसको बेल लेते हैं या फिर जो उनकी बेलने का तरीका है ना बेलने की जो टेक्निक है वो सही नहीं होती मतलब ये वो लोग कहीं पर ज़्यादा प्रेशर देते हैं बेलन पर कहीं पर कम इधर आपने क्या करना है बेलन के ऊपर जो आपने इसका जो स्टैंड निकले हुए हैं ना हाथ रखना है तो प्रेशर आपका सेम होना चाहिए दोनों हाथों का तब जाके इसके ऊपर बिल्कुल सेम प्रेशर आएगा आप देख सकते हैं अगर आपको अगर देखने से अंदाज़ा हो रहा है कि मैं इस पर प्रेशर बिल्कुल सेम दे रही हूँ और जो लेयरिंग जब हम करेंगे मतलब इसको बेल रहे हैं ना इक्वली बेलना है आपने इसको सिर्फ बेलने में बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं तो बस बेलने के बाद आपने उसी तरह से लेयर लगानी है उसके बाद हमारी पफ पेस्ट्री डू रेडी है तो यहाँ पर दोबारा से देख लीजिए मैंने किस तरह से इसकी लेयर लगाई थी इसको बस आपने ना कोशिश करनी इसी तरह से चकोरी बेलना है ताकि लेयर लगाने में आसानी हो एक साइड से इस तरह से मोड़ेंगे थोड़ा सा दूसरी साइड से मोड़ेंगे और बीच में हल्का सा गैप छोड़ेंगे ताकि इसके ऊपर हम दोबारा से उस डो को रख सके ना ओवरलैप कर ओवरलैप कर सके, सके। हल्का सा बस गैप छोड़ा है इसके ऊपर और उसके बाद इसके उसको हम दोबारा से इसके ऊपर रख, <laughs> रख देंगे उसके ऊपर रख देंगे ऊपर और उसके बाद फिर सामने की साइड से जैसे ये पूरा सिलेंडर बन गया है ना तो इसी तरह से कर देंगे ओवरलैप कर देंगे और मतलब वो सेंटर में आना चाहिए जो साइड वाला पार्ट है इसी तरीके से फिर वो ओवरलैप हो जाएगा हाँ इसी तरीके से हो जाएगा तो ये हमारी फाइनल लेयर थी अब इसके बाद आपने क्या करना है इसको आपने रखना है और रखने का तरीका ये आप इसको क्लिन में रैप करके रख सकते हैं प्लास्टिक के जो शॉपर्स घर में होते हैं इसके ऊपर इसके अंदर करके आप रख सकते हैं डायरेक्टली फ्रीज़र में रख दीजिएगा अगर आपको फ़ौरन से यूज़ नहीं करना फ़ौरन से यूज़ करना है तो आधा घंटा रेस्ट दीजिएगा उसके बाद आप इसको इसी इस तरह से बेलेंगे और जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं बागर खानी बनाना चाहें इसके आप खारे बिस्किट बनाना चाहते हैं पेटीज है बहुत सारी तरह की चीज़ें बनती हैं ये मुझे कुछ दिनों बाद इस्तेमाल करना है और तो मैं इस्तेमाल करूँगी ख़ैर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी ये कि डूब किस तरह से बनाया जाता है मैंने पूरी तरीके से कोशिश की आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की आई होप मैं कामयाब हुई हूँ कामयाब हो गई हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा वैसे पता चलेगा जब अब जब आप लोग इस डो को ट्राई करेंगे इससे कुछ भी चीज़ बनाएंगे और मुझे आप इसकी पिक्चर ज़रूर सेंड कीजिएगा तो खैर इसको मैंने बटर पेपर में रैप किया है इसको अब मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर फ्रीज़र के अंदर जब भी निकालना होगा इसको डी करेंगे उसके बाद फिर इस्तेमाल करेंगे अच्छा यहाँ पर एक वीडियो की क्लिप मैंने ऐड करवा दी है और ये मैंने बनाई थी खारे बिस्किट बनाए थे बेसिकली और आपके भी इसी तरह से लेयर्स बन के तैयार होती हैं और ये टू लेयर्स के अंदर मतलब अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया मैं इसी तरह से बनाती हूँ और इसी के साथ इतने परफेक्ट ये बनके तैयार होती है इससे आप ना चिकन पेटीज़ बना सकते हैं और ये घर में आप बनाएंगे ना इतनी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी अगर आप लोग बेकिंग के शौकीन है क्योंकि होता क्या है जब भी आप बेकिंग कर रहे होते हैं ना और आप कोई भी चीज़ बनाते हैं वो बहुत परफेक्ट बन के तैयार होती है तो कितनी खुशी होती है क्योंकि आपने अच्छी खासी उस मेहनत की हुई होती है बिल्कुल वो ना लगता है कि मेहनत का फल मिल गया है और पता है बेकिंग ना एक थेरेपी है इतना सुकून मिलता है कसम से आप लोग ना अगर नहीं करते ना बेकिंग वॉट जो भी आपको बनाने का दिल चाहे वो अगर आप बनाएंगे ना तो आप लोगों को फील होगा हाँ आपको एक ना खुशी हाँ। मिलती है उसमें ना बेकिंग के अंदर ना और काफ़ी मज़ा भी आता है इन्जॉय करेंगे अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइएगा और लेयर्स देखें इधर कितनी मतलब एक एक लेयर खुल जाती है और अक्सर लोग शिकायत करते हैं हमारी लेयर्स नहीं खुली हैं तो मेरी हर बात को ज़रा जहन नशीन कर लीजिएगा दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को जब भी बनाने के लिए खड़े हों और इसी तरह से मैंने आपको बताया था ना टिश्यू पेपर पर या फिर किसी पेपर पर फोल्ड करके रख लीजिएगा कि इसकी फोल्डिंग करनी किस तरह से ताकि आप लोगों से मिस्टेक ना हो ना तो चले आप लोग जरूर बनाइएगा और मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा अब आ जाते हैं दूसरे दिन के दूसरे दिन पे अच्छा हमारी जो ये अपनी पफ फेस्टी डो बना के रखी थी रात में बना के रख दी थी फ्रीजर में और उसके बाद फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मॉर्निंग होती है तो फिर नाश्ता बनता है और नाश्ते में अपी अंडे फ्राई कर रही थी और साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये है बेस्नी पराठे और ये हमने एक दिन पहले ही मंगवा लिए थे क्योंकि समटाइम्स होती है सुबह में परेशानी हो रही होती है तो खाली इसको ना जल्दी से गर्म कर लिया था और ये बिल्कुल सुबह सुबह का ही टाइम है शायद मेरे ख्याल से नौ बजे का टाइम है और आजकल ना इतनी ही बजे हमारा उठना हो रहा है मतलब आठ या नौ बजे ना सारे के सारे उठे हुए होते हैं भले कितनी सर्दी हो रही हो भले कुछ भी हो क्योंकि नाश्ता करना होता है ना नाश्ता कर लेते हैं ना हम सबको आदत है नाश्ता करने की सही प्रॉपर वाला नाश्ता प्रॉपर नाश्ता करते हैं हमारे नाश्ता मतलब दोपहर का खाना खाओ या ना खाओ नाश्ता जरूर करना वाकई ना तो हमारे ना ज़रा नाश्ते पे थोड़ा अच्छा सा ज़ोर होता है कि नाश्ता प्रॉपर होना चाहिए तो खैर हम लोग साथ बैठ के हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था ये बेसनी रोटी थी और हम लोगों ने इसको चाय से एंजॉय किया अंडे वगैरह मैंने भाई और अम्मी इन लोगों के लिए फ्राई किए थे क्योंकि इन लोगों को अंडे खाने थे तो खैर अच्छा बहुत सारे काम थे और हमें आज के दिन मतलब बहुत बहुत सारे काम थे तो फिर हमने क्या किया सबसे पहले अपने काम करने स्टार्ट किए सबसे पहले ये किया कि नाश्ता करने के बाद मशीन लगानी थी तो फटाफट से मैंने मशीन लगा दी थी और हमें करनी थी डीप क्लीनिंग मतलब इस घर में फ़र्स्ट टाइम हमारी डीप क्लीनिंग होगी क्योंकि एक बार तो जब घर शिफ्ट होते हैं ना तो तब तो होती होती है वो खैर इतनी ख़ास वाली नहीं होती लेकिन जब वो होता है ना आप पूरी डीप क्लीनिंग कर रहे होते ओए होए हो ये फर्स्ट वाली हमारी डीप क्लीनिंग थी इस घर में तो खैर हमने वो हो बड़ा इस घर में बड़ी मिट्टी आती है और सच्ची बताऊँ ऊपर वाले जितने भी मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड या जितने भी ऊपर फ्लोर्स पर जितने लोग रहते होंगे ना वो मेरी इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि ऊपर के फ्लोर्स पर बहुत ज़्यादा डस्ट आती है और जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं ना बहुत लकी है इस मामले में क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा डस्ट नहीं नहीं आती है बाकी में ज्यादा डस्ट नहीं आती है और ये ना बेलकनी की साइड पे जो क्या कहते हैं विंडो है है ना वो है और इस ना आप कपड़ा मारे, मिट्टी आके जम जाती है और आजकल ओस गिर रही है ना तो मिट्टी ना बकायदा मतलब जमी हुई कपड़ा मारने से नहीं हट रही है यहाँ पे तो जो ने ना यहाँ पे इस्तेमाल किया ब्लोर का ब्लोर की वजह से विंडो जो थी ना बहुत अच्छे से और जल्दी साफ हो गई थी जल्दी क्लीन हो गई और देखें वाह 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 ये भी होना चाहिए मतलब ये ना मर्द हजरात यूज कर रहे होते हैं ब्लोर मैंने ज्यादातर देखा है लेकिन हम भी कर लेते हैं यार विंडो वगैरह इसी से बहुत अच्छी साफ होती है अब क्या एक एक जाली को हाथ से वो पकड़ पकड़ के करेंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो ये विंडो से ना काफी अच्छे से और ऊपर तक ना सारी जो विंडो है ना सारी अच्छे से साफ विंडो से नहीं मतलब ब्लोर से विंडो साफ विंडो से खैर उसके बाद फिर एज यूजल जो घर झाड़ने की जो सामग्री होती है मतलब झाड़न वगैरह उठाया और सारे उठाए और हम लोग लग गए अपने काम अब ये अलग कमरे में लगी हुई थी मैं अलग लगी हुई थी, थी। और बस ये हो रहा था कि ना जल्द से जल्द हमारा काम खत्म हो जाए हमारी मेड के आने से पहले मेड के आने से पहले यू कि जितना मतलब बिखेरा होगा मतलब जो भी डस्ट आई हुई होगी वो आराम से झाड़ू पोछा कर असल लेगी। उसमें हमें आसानी हो जाती है हाँ। आसानी हो जाती है हम लोग ना ऐसे ही करते मेड के आने से पहले ही ना घर जब हमें झाड़ना होता है ना तो हम लोग उसको झाड़ लेते हैं और इससे क्या होता है फिर मेड आती है तो वो झाड़ू पोछा करती है तो आराम से वो कर लेती है फिर हम इतना ज़्यादा नहीं थक रहे होते और यहाँ पर मिट्टी आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा होगा कि बरसों से साफ नहीं हुआ हुआ जब हम आए थे ना हमने तब साफ किया था हाँ ये तीन महीने बाद साफ हो रहा है घर हमारा और इधर कुछ ज्यादा ही डस्ट आती है अच्छा हमें अंदाज़ा नहीं था डस्ट इतनी आई हुई है क्योंकि जब हमने साफ करना स्टार्ट किया ना तब हमें रियलाइज हुआ कि यहाँ पे ना दीवार मतलब कॉमन की जैसे दीवारे हैं ना उसके ऊपर बकायदा मिट्टी की एक लेयर थी और जो कि नजर नहीं आ रही थी जब हमने साफ किया ना तब हमें रियलाइज हुआ यार यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मिट्टी आती है और खैर यहाँ पर हमने डीप क्लीनिंग करनी थी आज और हम लोगों ने डीप क्लीनिंग करी और हमारी मेड ना थोड़ी देर से आई तो हमारा दिल थोड़ा सा धड़क रहा था सफ़ाई शायद हमें करनी पड़ेगी <laughs> हाँ हमें थोड़ा थोड़ा हौले आ रहे थे हमने बोला यार मतलब हम करते जा रहे थे सामान समेटते जा रहे थे ऑलमोस्ट हमारी ना सफ़ाई कम्प्लीट हो चुकी थी जब तक मेड मेड को आना था तो ना हमें ना ज़रा हौला आ रहा था हमने बोला यार मतलब थोड़ा सा एक आसरा हो जाता है कि ना खाली मेड ना झाड़ू पोछा कर देगी बस इतना आसरा होता है वरना वो तो करना ज़ाहिर सी बात है सबको ही आता है और अच्छा यहाँ पर देखें जोया कर रही है पंखे साफ़ तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड करती हूँ पंखे साफ़ कर रही है और हमारे पंखे जो है ना वो गंदे हैं और इसलिए साफ़ हो रहे साफ़ पंखे हम साफ़ नहीं करते हैं जब गंदे हो जाते हैं तभी साफ़ करते हैं कर कहने तो, का मतलब ये है कि हम साफ़ वाले पंखे दिखा के साफ़ करना नहीं बता रहे हम बाकायदा दिखा रहे हैं भाई वी आर नेचुरल यू नो <laughs> मतलब ऐसा होता है मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि यार साफ़ चीज़ को साफ़ करके दिखा रहे होते हैं कि देखिए हम सफाई कर रहे हैं ऐसा नहीं है असल में हमें जब नीड होती है ना सफ़ाई की या हमें जब टाइम होता है हम तभी आप लोगों को दिखा रहे होते हैं और मतलब बेफजूल की सफाइयाँ निकाल के नहीं दिखा रहे होते क्योंकि अगर हम बेफजूल की निकालना शुरू कर दें ना मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको भी हम साफ़ करने लग दें तो डेली आपको हम डीप क्लिनिंग करते हुए नज़र आएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है आप घर का एक कोना डेली बेसिस पे छेड़ सकते हैं ना बहुत आसानी से अच्छा डीप क्लीनिंग हो रही थी तो क्लीनिंग में हमने सोचा ये जो हमारे कवर है ना इसको हम आ, निकाल के इसको फिर हम धो लेते हैं क्योंकि काफी ज्यादा मिट्टी में हो रहे थे और इसको हमें लगाना ना हमारे लिए हमारे जहनों के मुताबिक बिल्कुल सही था कुछ लोगों ने कहा था आप लोगों ने लुक लोग खराब कर लिया लेकिन यार लुक खराब नहीं किया हमने अपने सोफ़ों को थोड़ा सा सेव कर लिया क्योंकि कॉमन में ही है कॉमन में ही किचन है जिसकी वजह से ना ये सोफे हमें ये था ये बेचारे काले हो जाएंगे और फिर क्योंकि जाहिर सी बहते कपड़े के हैं रेगजीन वगैरह के होते तो हम छोड़ देते उसको ना या उसके होते

और ताकि ये कि आसानी हो जाए सारा हमारा मतलब हमने बीच में झाड़ू हाँ, दे दी थी मतलब जितनी हमने चीज़ें हटाई थी ना सबको हमने उसके पीछे से पूरी पूरी झाड़ू निकाल के और उसे साफ़ करके हमने वो ना मतलब सारा कचरा ना सेंटर में कर दिया था ताकि ना इजीली हमारे घर की सफाई हो जाए और ये भी आप लोग भी यही किया करें अगर आप लोग के घरों में मेड आती है तो ये किया करें अपना ना काम फटाफट निपटाया करें ताकि ना आपका हाथ बढ़ जाए और जल्द से जल्द आपका घर ना समेट जाए वरना ये होता है अगर घर का काम छेड़ते हैं ना तो ये होता है 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 पूरा पूरा का पूरा दिन लग पूरा जाता दिन है। में लग जाता जाता बाकी में काफी टाइम लगता है काम फिर भी लगता है कि अभी भी कुछ हुआ ही नहीं है खैर हम चार बजे तक फारिग हो गए थे हमारी मेड आई जब उससे पहले हम अपने कामों से फारिग हो गए थे फिर उसके बाद हम लोगों ने खाया खाना अम्मी ने बैगन बनाए हुए थे और बस उसके अंदर मैंने दही ऐड करके तलाजी जो थी ना उसको बना लिया था इसको हम तलाजी कहते हैं आप लोग का रायता कह सकते हैं इसके ऊपर से प्लेन वाली जो बैगन की सब्जी होती है उसमें दही मिलाकर फिर उसके ऊपर जीरा और हल्की सी मिर्चों का बघार कर देते हैं तो वो हो जाती है हमारी बैगन की तलाजी और आप लोग हाँ मुझे मालूम है आप लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे कौन कौन पहली बार नाम सुन रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएगा वैसे आप लोग इसको बैगन का रायता भी कह सकते हैं काफी मजेदार हो जाता है और थोड़ा डिफरेंट टेस्ट हो जाता है मतलब खाली बैग, बैगन का तो अलग टेस्ट होता है और इस तरह दही वही ऐड कर देना तो फिर काफ़ी डिफरेंट हो जाता है मुझे तलाजी तलाजी ज्यादा पसंद है मतलब बैगन का रायता ये जो है इस में ज़्यादा पसंद है सादे बैगन के ना इसका जायका ज्यादा अच्छा होता है मजेदार होता है और ये इतने कोई मजेदार से हो जाते हैं कि इसको इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं पराठे के साथ भी खा सकते हैं इसको प्लेन बासी रोटी के साथ भी खाएंगे ना सादी बहुत अच्छा ये हमने बनानी भी बताई है आपको काफी दफा अभी क्योंकि हम कामों में बिजी थे तो इस वजह से मैंने स्टार्टिंग से रिकॉर्ड नहीं किया था फिर उसके बाद जोया को लगी कार्टून देखने की लत और उन्होंने इतने सारे बैठ के देखे और बहुत देर तक देखे नींद नहीं, नहीं। आने लगी मैंने जोया बस कर दो यार। नहीं, नहीं मैंने खाली एक मूवी देखी है, पूरी कोई पसंद है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैंने आ, मेरे ख्याल से कुछ डेढ़ घंटे की होती है ज्यादा बड़ी तो होती भी नहीं वाली मूवीज खैर मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है और मैं अभी भी ये वाली मूवीज ना कार्टून मूवीज देखती हूँ ना हमारे अम्मी अबू भी बहुत शौक से देखते हैं इनफैक्ट टॉम एंड जेली की कार्टून ये वाली सारी कार्टून देखना पसंद करते हैं खैर फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया हम लोग सो गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई थी सुबह से ही काम कर रहे दो थे। दिन से लग रहा है सर्दियाँ आ गई हैं वाकई में और फिर उसके बाद हमने जल्दी से जब सोकर थोड़ी देर सोकर उठे उसके बाद हमने चाय बनाई चाय के साथ हमने बिस्किट मंगवा लिए थे और बस यहीं भी कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा अगर अच्छा लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग हाफिज़